अल्लाम उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी बता दूँ ट्वेंटी सेवन जुलाई की ये वीडियो है रात के साढ़े नौ बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शुरू में जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस हम ये करने वाले हैं कि भाई वकार जगह ये चक्कर क्या होता है कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे रिसर्च करने का तरीका क्या है अच्छा भाई देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ ली उसके बाद मैं मैक्रो इकनॉमिक्स पर जाता हूँ ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे बनाने तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल इकोनॉमी दुनिया की कैसी चल रही है ठीक है एक ये चीज़ हो गई अब ये देखने के लिए क्या करूँगा मैं ये देखने के लिए मैं बिज़नेस याहू पर चला जाऊँगा ठीक है बिज़नेस याहू न्यूज़ पर चला जाऊँगा लेटेस्ट जो बिज़नेस याहू की न्यूज़ है मैं याहू देखता हूँ आप कहीं से भी देख सकते हैं मैं आके देखता हूँ कि दुनिया की जो इकॉन मतलब दुनिया में जो भी इकोनॉमिक चक्कर हो रहे हैं उसमें क्या चक्कर चल रहा है पहले देखना वो ज़रूरी है गोल्ड कहाँ जा रहा है स्टॉक कहाँ जा रहे हैं स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है उसकी क्या न्यूज़ है क्रिप्टो से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है ठीक है सुबह उठ के अगर क्रिप्टो में पैसे बनाने रिसर्च उनके लिए बता रहा हूँ जो रिसर्च करना चाहते हैं याहू फाइनेंस पे गए आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स देखना शुरू की और आपने कहा चलो भाई ठीक है हो गया इसमें जो न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं अच्छा फिर उसके बाद मैं जाता हूँ कॉइन टेलीग्राफ पे ठीक है कॉइन टेलीग्राफ पे गया यहाँ मैंने न्यूज़ देखना शुरू की न्यूज़ पे क्लिक किया बेट कॉइन न्यूज़ पे जो भी न्यूज़ देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसकी हेडलाइंस देखता हूँ ठीक हो गया फिर मैं जाता हूँ कॉइन डेस्क पे कॉइन डेस्क पे जाता हूँ यानी पहले मैंने मैक्रो इकनॉमिक्स देखा सारी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्या चल रही है फिर क्रिप्टो के लिए ये दो मैंने देख लिए तीसरी चीज़ मैं खोलता हूँ कॉइन मार्केट कॉल ठीक है कि भाई इस पर क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है क्या चीज़ ऊपर जा रही है क्या चीज़ नीचे आ रही है इसकी न्यूज़ क्या है ठीक है आप भी ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं अच्छा फिर एक और मैं चीज़ करता हूँ जो शायद आप ना करें और ना आपको सूट करें ना आपको इतनी जल्दी समझ आनी है वो है एक सॉफ्टवेयर है जगतनाथ हूरा ठीक है ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए हम यूज़ करते हैं हम इससे ये प्रिडिक्शन नहीं कर रहे होते कि भाई काला जादू कैसे उतरेगा ये कैसे उतरेगा वो उतरेगा क्योंकि बाद लोग इसको अनएथिकल और उधर ले जाते हैं लेकिन चांद और सितारों में आसमान और ज़मीन में अक़लमंदों के लिए इशारे मौजूद है तो एज अ रिसर्चर इसको यूज़ किया जा रहा होता है इसका मतलब ये नहीं होता जी कि कोई आपको हमने काले जादू के बारे में बता रहे हैं तो जगतनाथ हूरा से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे मैं काम करता हूँ ये एक बहुत बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा लेकिन मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट आएँ फेयर एंड ग्रीड पर आप फेयर एंड ग्रीड पर आए फेयर एंड ग्रीड पर आके आपने डायरेक्टली इसको सर्च किया आवाज़ वग़ैरह हर चीज़ आई थिंक सबको क्लियर आ रही होगी हर चीज़ सेट चल रही होगी अब तक मैंने शुरू में जल्दी इसलिए बताया ताकि जो रिकॉर्डेड देख रहा होगा ना उसको फौरन पता चल जाए जा जा कि हाँ यार के सीन चल रहा क्या है और इस वीडियो में हो बात क्या होनी है इसलिए ज़रा जल्दी बताइए बाकी फिर मैं कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता हूँ आपके और मैं देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है सब कुछ यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है सही है दस बजे भी हमारा एक आज होगा अच्छा इसी तरह फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पर देखा आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट का फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखना है और क्रिप्टो का फेयर एंड ग्रीड देखना है दोनों के देखने हैं समझ गए इन दोनों से पता चल जाता है भाई मार्केट में खरीदारी का ज़्यादा माहौल चल रहा है या फिर बेचने का चल रहा है स्टॉक मार्केट का भी और क्रिप्टो मार्केट का भी ठीक है ये उनके लिए जो डिटेल कहते हैं यार वकार भाई रिसर्च कैसे होती है वो बताओ मैं कभी आप कहते हो ये होगा कभी आप कहते हो वो होगा तो यार ये इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सही है फेयर एंड ग्रीड समझ आ गया अच्छा फिर मैं जाता हूँ गूगल ट्रेंड्स पे ये लेटे लेटे ही बस ऐसे ही हम जल्दी जल्दी बता रहे होते हैं कि भाई गूगल ट्रेंड पे गया गूगल ट्रेंड पे मैंने देखा भाई क्रिप्टो करेंसी यहां लिखा मैंने ठीक है गूगल ट्रेंड पे जाके मैंने क्रिप्टो करेंसी लिखा और यहाँ सर्च कर लिया मैंने मैंने कहा हाँ भाई ये सीन क्या चल रहा है इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की सर्चिज कितनी है कितनी लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है कितना बना बना हुआ है इस महीने कितना बना हुआ है पाकिस्तान में नहीं मुझे वर्ल्ड वाइड चाहिए वर्ल्ड वाइड कितना इस पर रिसर्च हो रही है कितना सर्च अभी चल रही है उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है सही है फिर मैं देखता हूं ग्लास रोड ये आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पैसे ज़ाया करने तो आप कर लें ये एक सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म है जो आपको सारी डिटेल दे रहा होता है कि वेल्स यानी दुनिया में बड़े बड़े जो खरीदार हैं वो इस वक्त बिटकॉइन कितनी जल्दी एक्मिलेट कर रहे हैं जैसे सत्ताईस जुलाई को धड़ाधड़ एक्यूमेलेट किए जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं है, है। और फिर एकदम ये बेचते हैं तो ये चार्ट होते हैं ये सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा है इस इसका सारा एनालिसिस हम आपको करके दे देते हैं लेकिन ये उनके लिए जो कहते हैं नहीं यार हमें समझना है तो ग्लास नोट हो गया ग्लास नोट के बाद फिर मैं जाके ग्लास नोट पर खोलता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ बेटकइन थर्मल कैप क्या चल रहा है बेटकॉइन थर्मल कैप एक बहुत ही खतरनाक और एक जिसे कहते हैं ना अलग किस्म की दुनिया है इससे ये पता चल रहा होता है कि यार बेटकइन की प्राइस जो है कहाँ मूव कर सकती है सही है फिर एक और मैट्रिक uh, है जो ग्लास नोट का ही है वो है बेटकइन हॉडल वेव ठीक है बेटकॉइन हॉडल वेव खोलता हूँ मैं और बिटकॉइन होटल वेव देख रहा होता हूँ सही है इसके बाद में देख रहा होता हूँ निबल इंडिकेटर ठीक है ये हमें दिखा रहा होता है कि भाई क्या इस वक्त सीन चल रहा है ओवरऑल नेट अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी ग्लास नोट का है तो आपको खरीदना पड़ेगा लेकिन मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि टेक्निक क्या होती है ये करने के बाद फिर मैं आता हूँ रेडिट पे सबसे इंपॉर्टेंट है रेडिट रेडिट पे अकाउंट नहीं है तो फ़ौरन बना लो रेडिट पे अकाउंट होना ज़रूरी है ये अकाउंट आपने बना लिया और यहां जाके आपने क्रिप्टो करेंसी सर्च करके देखा ट्रेंड में क्या चल रहा है फिर सबसे अहम है ट्विटर ट्विटर पे अकाउंट नहीं है मेरे भाई तो बहुत गड़बड़ है ट्विटर के ऊपर ही हर क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको फॉलो करना जरूरी है ये भी क्लियर हो गया फिर आता हूं जी मैं क्रिप्टो स्क्रीनर पर ठीक है क्रिप्टो स्क्रीनर सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होता है कि बाय सेल सीधा सीधा लिखा हुआ मेरे भाई बाय कर लो सेल कर लो क्या हो गया इसमें तो कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिर क्या इतनी क्या इसमें इतनी साइंस क्या है लेकिन वो जो मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ ना मै मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जी कि पूरी आपको डिटेल देखनी पड़ती है वो डिटेल सारी की सारी वो होती है जिसमें और कि आप लोगों को जिसमें अगर आप नहीं समझेंगे तो सिर्फ बाईस सेल से काम नहीं चलेगा अच्छा जिस प्रोफाइल से मैं अभी लाइव आया हूँ हमने क्या कर दिया कि नोटिफिकेशन के मसाइल आते हैं ना आपको जिस प्रोफाइल से मैं अभी लाइव आया हूँ इस पर ही आपने फॉलो कर लेना है ये देखो अलग से एक प्रोफाइल है जिससे मैं लाइव आया हुआ हूं ये वकार जका का वेरीफाइड अकाउंट नहीं एक सेपरेट अकाउंट है मेरी टीम भी इसी से लाइव आया करेगी तो उससे फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन और जल्दी मिल जाया करेगी तो फॉलो करके सारी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो क्रिप्टो स्क्रीनर को पढ़ने से पहले आपको वो सारे स्टेप फॉलो करने जो मैंने पहले बताए अच्छा क्रिप्टो स्क्रीनर पढ़ने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स आना जरूरी है अगर वो नहीं आएगी तो ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ के बाय का सिग्नल देखें और बोले अरे बाय का सिग्नल खरीद लो फिर आप कहते हैं फ्लॉप हो गया इसलिए कि इसको पढ़ना एक आर्ट है इसको पढ़ने के लिए एक बड़ी एक महारत चाहिए सही हो गया ये देखने के बाद फिर मैं आता हूँ क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप पे, सही है कॉइन मार्केट कैप पे आकर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ यहाँ के मैं रैंकिंग पे क्लिक करता हूँ रैंकिंग पे क्लिक करके फिर मैं 24 लिखा ये 24 के वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ हाँ जी ये कौन कौन से कॉइन ऊपर जा रहे हैं एक तो ये कॉइन ऊपर जा रहे हैं इन पर मेरी नज़र नहीं होती मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ देखता हूँ कौन से कॉइन गिरे हुए बर्बाद हुए हैं ठीक है जैसे ए एम पी ए ठीक है ये बर्बाद हुआ हुआ ये बर्बाद हुआ हुआ अब ये बर्बाद हुए हुए जो कॉइन्स हैं ना इसमें से मुझे ये पता होता है यार ये बर्बाद कॉइन इनका फंडामेंटल और अगर मुझे पता है तो मैं इन पर नज़र रखूँगा ये बात क्लियर हुई कॉइन मार्केट कैप पे गए सुबह सुबह उठे अगर आपके पास जगन्नाथ और बाकी चीज़ें समझ नहीं आ रही ग्लास रोड नहीं खरीद सकते आपने आके यहां पर ट्वेंटी फोर पर क्लिक किया जिसके जो सबसे ज्यादा बुरे हालात में चल रहा है उन क्रिप्टोज में देख रहे हैं कि फंडामेंटली कौन सी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है ठीक है आपने उस पर काम करना है आपने इन इनपे काम नहीं करना जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं ठीक है ये क्लियर हो गई चीज़ अच्छा अब क्रिप्टो सिग्नल्स की जहां तक बात होती है उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊँ क्रिप्टो स्क्रीनर तो हेल्प करता है लेकिन दुनिया में जितने भी लोग हैं गोरों के जितने ग्रुप हैं बड़े बड़े ग्रुप हैं डेढ़ सौ डॉलर का ग्रुप सौ डॉलर का ग्रुप हज़ार डॉलर का ग्रुप कोई कहेगा जी मुझे ब्रेकआउट पता था मैंने इस तरह कर लिया मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया मुझे ये पता चल गया मुझे वो पता चल गया कोई कहता है जी मुझे तो जी आ, आपको ना जो वेस्टर्न ग्रुप्स हैं ना जो यहूदियों के डिस्कॉड ग्रुप्स हैं या फिर आपको क्रिश्चनस के बहुत सारे मिलेंगे अमेरिकन लोगों के बने हुए बहुत पुराने पुराने मिलेंगे सब कहेंगे जी हमें ब्रेकआउट पता चल गया था हमें स्कैल्प के लिए कॉइन ये मिल गया था हमने तो आपको देखें ये बता दिया था सब बेकार बात है मैं भी ये कहता हूँ सारों के सारे जो, जो जितने गोरे ग्रुप बने हुए वे हैं वेस्टर्न ग्रुप जो हज़ार मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप आपको मिलेंगे जो वन थाउजेंड डॉलर पर ईयर लेते हैं ठीक है वो सारी इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स कहाँ से उठाते हैं वो डार्क वेब से उठाते हैं जहाँ से मैं भी उठाता हूँ मतलब मैंने कभी छुपाई नहीं अपनी कोई चीज़ मैं भी डार्क वेब के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको इसको लॉगिन करने के लिए इस पर जाने के लिए बहुत महारत चाहिए इसको सिखाने की बात हम कर रहे होते हैं और सिखाने के ऊपर एफ आई ए और, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं तो हमें डर लगता है कि हम सिखाएंगे और आपने मिस यूज़ करना है मिस यूज़ करके हम फंस जाएंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ जा रहे हैं कि इसकी कोई लीगल हैसियत बनाए कैसे सिखाया जाए क्योंकि इससे लीगल पैसा भी कमाया जा सकता है ना हक हलाल सिर्फ चरस तो नहीं बेचनी तो जितने ग्रुपों में आप दुनिया के कोई भी ग्रुप चले जाएंगे बाज़ दफ़ा ऐसा आपको नजर आएगा कि हमारे ग्रुप का जो सिग्नल होगा वो किसी वेस्टर्न ग्रुप में भी नज़र आएगा या जो वेस्टर्न ग्रुप का सिग्नल होगा वो हमारे ग्रुप में भी नज़र आएगा या आपको नजर आ रहा होगा जी कि हमारे ग्रुप से उठा के लोगों ने कॉपी कर लिया सिग्नल अल्टीमेट सोर्स कौन सी है अल्टीमेट सोर्स है क्रिप्टो स्क्रीनर और डार्क वेब डार्क वेब के लिए लिनक्स आनी चाहिए डार्क वेब के लिए आनी चाहिए और फिर ज़रूरी नहीं है सिर्फ डार्क वेब चलानी आती है तो आपको पता चल जाएगा यहां जाके यहां बैठे हुए हैं सारे प्रोग्रामर्स ज़्यादातर जो के जो के कोडिंग कर रहे होते हैं गिट की ठीक है गिट की ये कोडिंग है इस पर जो ज़्यादातर कोड करने वाले लोग हैं वो आपको डार्क वेब के ऊपर और डार्क वेब के ऊपर जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पर बहुत महंगे ग्रुप हैं मतलब चार बिटकॉइन पाँच बिटकॉइन छः बिटकॉइन इसी तरह आ, बहुत सारे जो है वो बहुत महंगे महंगे ग्रुप्स हैं और यह भी गारंटी नहीं होती कि वो इंफॉर्मेशन या सिग्नल चलेगा लेकिन जितने भी वेस्टर्न ग्रुप्स हैं डिस्कॉड के जो बने हुए हैं कहीं के भी बने हुए हैं जो आपको ब्रेकआउट बता रहे होते हैं ये बता रहे होते हैं सबके सब यहां से इंफॉर्मेशन उठाते हैं पाकिस्तान में क्योंकि मालूम नहीं है तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग आपको मेरे ग्रुप से कॉपी करते हुए नजर आएंगे कि वकार जका ने जो चीज डाली है कॉपी कर लो क्योंकि अभी डार्क वेब का एक्सेस नहीं है उनके पास उनको आता ही नहीं चलाना लेकिन अल्टीमेट रिसर्च करने का ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको पांच दस मिनट में जल्दी जल्दी बताया ताकि आपको ये पता चले भाई मैं जो काम करता हूँ मैं आपसे छुपाता नहीं हूँ मैं ये नहीं कहता कि जी मेरे पास बड़ा कोई जादू है मेरे पास बड़ा कोई अलग सी चीज़ है क्रिप्टो मार्केट हर पाँच मिनट बाद चेंज हो रही है जो पूरी मैंने सीरीज़ बताई है ये आपको समझ आई सब लोगों को ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है पूरी आपको बात सारी समझ आई है जो लोग जीअरली ग्रुप में देख रहे हैं जो लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे इजी पैसा ग्रुप में वह सब लोगों ये बात समझ आई है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मैं जरा वीडियो देखूं के आपको ये सारी बात अब जिसने भी इसको रिपीट देखना है वो वीडियो शुरू से देखेगा ये सबसे अहम तरीन वीडियो है जितनी भी मैं कह सकता हूं अहम तरीन वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हर रिसर्च के लिए नहीं देखेंगे आप ये वीडियो दोबारा जो अभी अभी ज्वाइन कर रहा है नहीं देखेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि रिसर्च मैं कैसे करता हूं किस तरह काम होता है ठीक है ये बात क्लियर होगी आपके सामने ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च का तरीका ये ये उन लोगों के लिए मैंने अपने सारे राज खोल दिए आपके सामने कोई राज छुपाया नहीं है कि सिग्नल कैसे बनता है कहाँ से बनता है कैसे आता है रिसर्च कैसे करनी चाहिए तो ये तेरह मिनट की वो वीडियो है जो आपको बार बार देखनी चाहिए अगर आप समझना चाहते हैं क्रिप्टो की कोई किताब नहीं है क्रिप्टो के बारे में कोई अभी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कोर्स एक पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्रिप्टो में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आप आएंगे और कहेंगे अच्छा यार बस बताओ मैं कौन सा कॉइन लूँ कभी कुछ भी घूम सकता है अब देखिए ट्विटर पर मैंने ये बिल्कुल मैंने कहा था कि जी अमेजोन ने ये तो कहा है कि आए हम आएंगे क्रिप्टो में लेकिन मैंने ये कहा कि यार ये पढ़िएगा आप मैंने ये ट्वीट किया था 24 जुलाई को कि यार ये वीकेंड के जो पंप है ना भाई ये मुझे बड़ा ट्रिकी लग रहा है ये एक तो लूनर डेज चल रहा है जिसपे लोगों का बिलीव शिलीव कुछ हो है या नहीं है सब कहते हैं जी सब कॉन्शियस का आपका बिलीव है आप इसलिए इस, इस पर मान लेते अरे मानने की बात नहीं रिसर्चर हूँ मेरे भाई मैं क्वांटम इंटैगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स टेलीपोटेशन इसके ऊपर बात कर रहा होता था इसको समझने की कोशिश कर रहा था मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपनी कि टेलीपोटेशन की जैसे फोटोन्स की हुई है इस तरह इंसान को किस तरह टेलीपोट करेंगे ये वाली बात सुन के आप कहेंगे अब चल ला ऐसे थोड़ी होता है तो मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए आपके भी लिए बहुत ज़्यादा ऊपर की बात होगी तो चांद का रोल बहुत होता है कुछ चांद के ऐसे दिन होते हैं जिसमें इंसान का दिमाग शैतानी चलता है उन दिनों में रोज़े रखने के लिए भी कहा गया है अब ये जो हमारे यहाँ हिंदू लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो शायद एथियस्ट हों लेकिन मैं एक जर्नल बात कह रहा हूँ एज ए रिसर्चर मैंने ये कहा था 24 जुलाई को कि यार ये पंप तो हो रही है मार्केट लेकिन ट्रिकी लग रही है इसके साथ फिर मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि यार इन दिनों में ना शैतानी काम करने का इंसान का दिमाग चल रहा होता है और वही हुआ शैतानी क्या की गई शैतानी ये की गई कि किसी ने डाला एमेज़ोन बिटकॉइन में आ रहा है इनसाइडर रिपोर्ट ठीक है ये इनसाइडर ये इनसाइडर रिपोर्ट अब क्योंकि मैं जो इस तरह रिसर्च करता हूं ठीक है मैंने कहा कि भाई आ, बिल्कुल सही है अमेजोन ने तो आना था क्योंकि ये देखें मैं अभी आपके सामने यहाँ लिखता हूँ दोबारा अमेजॉन बिटकॉइन तो ये अमेजॉन बिटकॉइन यहाँ पर लिखा हुआ रहा है और अमेजॉन बिटकॉइन का मतलब है कि ये इस पे काम कर रहे हैं अब अमेजॉन ने बिटकॉइन का अनाउंस कर दिया है सब लोग आ रहे हैं तो मैंने आके ये कहा कि अरे ये ये तो सही बात है कि अमेजॉन ने आना था लेकिन एक आध दिन रुक जाते हैं जितने ग्रुप में लोग फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि मैंने कल फिर ये बोला था रुक जाओ रुको 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 थोड़ा रुको राइट आज अब ये किसी ने शैतानी की कि अमेजोन इनसाइडर रिपोर्ट पर अगर मैं आता हूँ न्यूज़ पे तो एक दिन छः घंटे ना पहले आओ ना पहले आओ पहले आओ पहले आओ पहले आओ, पहले आओ और मैं आता हूँ जरा पहले तीन दिन पुरानी हाँ ये देखें ये रिपोर्ट आई हुई थी कल परसों कि जी अमेजोन के इंसाइडर रिपोर्टर वो आ रहे हैं इसमें ठीक है ये देखें ये आया जी ये रहिये रहिए रही, 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 रही। बिटकॉइन पंद्रह परसेंट चला गया बुलिश कमेंट की वजह से अमेजॉन जो है इस पर आ रहा है जैसे ही ऊपर गया है नीचे से उन लोगों ने माल मारा है अपना और मार्केट में न्यूज आ गई अमेजोन कह रहे हैं यार हम एक्सप्लोर तो कर रहे हैं लेकिन अभी हम नहीं आ रहे इसमें ये वो शैतानी दिमाग शैतानी काम है जिसके लिए मैंने ये पोस्ट किया था कि भाई मुझसे पूछ रहे थे वकार भाई आप ये क्यों नहीं कह रहे कि अब शुरू हो गया मैंने कहा यार मुझे अभी फीलिंग नहीं आ रही है मुझे नहीं आ रहा अभी रुकते हैं एक दिन याद है आपको ये बात अब आप कहेंगे क्या कहें, है ये वाला पंप था क्योंकि इस किस्म के पंप्स मैं डम से बचाने की कोशिश जरूर करता हूँ पंप मिस हो जाए कोई मसला नहीं है पंप ऊपर से भी खरीद सकते हो यार तो ये वाली बात आपके सामने है कि मैं कोई दो या तीन बातें नहीं करता बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं मेरी पुरानी एक बात याद रखते हैं दो दूसरी याद नहीं रखते मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मार्केट ट्रिकी चल रही है और ये चांद के उन दिनों में गड़बड़ की है उसने क्लियर हो गया भाई अब यह स्पेकुलेटिव चीज़ है अगेन क्या चीज़ है स्पेकुलेटिव प्रडिक्शन हर एक की गलत हो सकती हैं वही वाली बात बाबर आजम वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ इतना अच्छा बैट्समैन लेकिन आउट हो सकता है जल्दी मैं सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दूँगा और वो अगर मुझे बेटकॉइन बोलिस चाहिए और अच्छे चाहिए तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा कि ये सिंपल मूविंग एवरेज जो है ठीक है सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये उससे अच्छा खासा ऊपर कम से कम ये फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की जब तक अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं तोड़ता बुलिश नहीं है ये यह यहाँ से जब पंप ले रहा हो तो अंदर नहीं कूदते आप थोड़ा ऊपर से ख़रीद लो लेकिन सही टाइम पर ख़रीदो आई होप इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और जितने लोग भी हैं उनको ये वीडियो आपने ज़रूर रेफर करनी है कि रिसर्च ऐसे हो रही है सिग्नल ऐसे बन रहे हैं हर चीज़ ऐसे चल रही होती है मार्केट की खबर हर चीज़ बर्बाद कर देती है एक एक मिनट में बर्बाद हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि वकार तुमने कल कहा था कि बाईस हज़ार जाएगा आज ये इतने पे जा रहे हैं वकार कल तुमने पैंतालीस हज़ार कहा था हर आपको अपने आप को अपडेट रखना है आपको अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है कि यार आप ग्रुप में अपडेटेड रहें तो आई होप हर चीज़ क्लियर हो गई होगी और साढ़े बजे असद जो है वो लाइव आएगा और आपको स्कैल्प करवाएगा थैंक यू